क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बस अब मैंने शुरू करने लगी क्वेश्चन। अब अगर इन बिटवीन मुझे किसी की आवाज इधर उधर कोई देखता भी नजर आ गया ना, फिर देख लेना। लीव इट, लुक एट योर बुक। और रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया of the balloon in the two cases. Let R1 be the previous radius, 7 centimeter, and R2 be the new radius after air is pumped in. Yes. We want to find the ratio of the surface areas in the two condition, that is when the radius is 7 and another case is when radius is 14. So you will be finding the surface area in the first case. This is 4πr². This is 4π7² total surface area. Sphere ke case mein count hota hi nahi hai. Ek cheez yaad rakhna, jab bhi kabhi aapko रेशियो निकालने आई सरफेस एरिया की या वॉल्यूम की, ये पहले बॉटल उठाओ, वाटर बॉटल यहाँ से, एंड थ्रो दैट पेपर इन द डस्टबिन, लक्ष प्लीज। हाँ जी, लिसन, वहां पे रख दो, जिसकी भी है ले ले, बाद में ले ले। जब भी आपको पेपर में कभी किसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करनी आए, तो टू थिंग्स यू विल कीप इन माइंड, दैट इन द पर्टिकुलर you will not do the calculation and you will not replace the value of pi. ना तो pi की value replace करनी है और ना ही आपने calculation करनी है, क्योंकि ratio निकालते हुए सब कट जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है? चलिए अब निकाले हम second वाले का surface area, total surface area, यहाँ पे R1 कर लो, यहाँ पे R2 कर लो. This is 4π. मैं बता रही हूँ, सीधा आप क्लास से बाहर ही जाओगे अगर बिल्कुल भी इधर उधर कोई देखता नजर आया या बोलता। We want to find the ratio of these two surface areas. याद रखना, जब भी पेपर में आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोली हो और ये ना बोला हो कि पहले कौन सा आएगा, ये वाला सर्कल या ये वाला स्फीयर या ये वाला स्फीयर, उस केस में जिस स्फीयर की पहले बात हो रही है, जिसकी रेडियस की, उसको आपने रेशियो में ऊपर लेना है। दैट मीन्स यू विल फाइंड S1 रेशियो S2। रेशियो का मतलब डिवीजन, दैट मींस S1 ओवर S2, दैट मींस 4 × π × 49 ओवर 4 × π × 96। दिस इज 196, कम्स आउट टू बी 1:4। हां जी बेटे, टुमारो इज योर टेस्ट ऑफ 13.1 to 13.3। Test, only 3 students of this class are there who have not given their consent offline, that is Navnoor, Garima and Arshpreet Kaur. Arshdeep Kaur. Their test, these three students test, I will accept their PDF. I will share with them, test will be shared with them on the same time, that means period ke time mein, main unke saath test share karungi PDF mein. Aur woh usi time test karke mujhe PDF bhej denge. Theek hai? Please quiet. But those who are offline students, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कृष्णा है, जानवी जी है, जयंत है, इनके ऑफलाइन कंसेंट आए हुए हैं, दे आर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स। अगर वो मुझे मतलब PDF में टेस्ट सेंड करेंगे, आई विल नॉट चेक देयर टेस्ट। प्लीज, रूल इज रूल, इफ यू आर ऑफलाइन योर टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन, इफ यू आर ऑनलाइन योर टेस्ट विल बी चेक ऑनलाइन। गरिमा इज प्रेजेंट टूडे, नोट कर लो, अर्शदीप इज प्रेजेंट एंड नवनूर इज एबसेंट। गरिमा प्रेजेंट, यस क्लास, क्वाइट, ठीक होगी बात। चलिए, और कल जब टेस्ट होना है, मैं एक चीज आपको बोल दूं, मेरे आने से पहले कोई बाहर नहीं गया होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मेरे आने से पहले आपकी दो दो शीट्स आपके हाथ में पिनअप, नेम रोल नंबर, नेम रोल नंबर क्लास लिखी हो। चलिए, देना डस्टर, डस्टर।
Let us start with fifth question. Question number fifth. Fifth question. Hemispherical bowl is made up of brass, has inner diameter 10.5 centimeter. हेमिस्फेरिकल आपके पास एक बाउल है ब्रास मेटल का बना हुआ इनर डायमीटर इज गिवन टू बी 10.5 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर से इसके इनर सरफेस एरिया को हमने टिन प्लेटिंग करनी है तो इसका मतलब बाहर चल लो We want to find the cost of tin plating the inner surface area. तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास inner radius दी हुई है और inner curved को ही हमने tin plating करनी है, तो inner radius हमारे पास है 10.5. Sorry, inner diameter. Inner radius. will be the inner radius. जब हम हेमिस्फीयर के इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को टिन प्लेटिंग कर रहे हैं इनर सरफेस को तो दैट मींस इनडायरेक्टली द कर्व्ड सरफेस एरिया सो एरिया टू बी टिन प्लेटेड टू पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया हाँ एरिया टू बी टिन प्लेटेड इज इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया दिस इज टू पाई 22/7 आर स्क्वायर 5.25 सॉल्व इट एरिया टू बी टिन प्लेटेड इज दिस कितना आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज टू बी टिन प्लेटेड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रुपीज 16 इक्वल टू रुपीज 16 Therefore, cost of tin plating 1 centimeter square, 16 by 100. Cost of tin plating 1.3.25, 16 by 100, 173.25. Do it, you'll get the answer. In rupees. Yeah, aapka answer aa jayega rupees. बेटे पता क्या है सिर्फ वेंटिलेशन के लिए मैम कह रही बस इतना ठीक है यू शट योर माउथ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू नोबडी इज टॉकिंग टू यू ओके सिक्स्थ क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ टोटल सरफेस एरिया इज गिवन फाइंड द रेडियस सिक्स से 20 कितना आंसर आया रुपीस 27.72 सिक्स्थ क्वेश्चन अपने आप करोगे इजी है कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है रेडियस निकालनी है आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 सेवंथ क्वेश्चन Diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. बात किस पे खत्म हो रही है अर्थ पे
तो हम पहले किसका डायमीटर लेट कर लें, अर्थ का, लेट अर्थ डायमीटर बी एक्स, अर्थ डायमीटर बी एक्स, तो यहां से इसकी रेडियस निकालेंगे तो एक्स बाय टू, ठीक है। मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, सो यू विल राइट मून्स डायमीटर इज एक्स बाय फोर, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, जितना अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है मून का, तो मून की रेडियस को कैपिटल आर लिख दो, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय एट, टू से डिवाइड करोगे दिस विल बी एक्स बाय एट, सो यू आर हैविंग अ रेडियस ऑफ मून एज वेल एज अर्थ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, लेट अस सी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, हमने इनके सरफेस एरियाज के रेशियो निकालने हैं, इधर कर लेते हैं अर्थ का इधर मून का, लेट एस वन विल बी द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा इसके केस में, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई इनटू एक्स बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, गेट कैंसिल पाई एक्स स्क्वायर, नो नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई एज वी वांट टू फाइंड रेशियो, पाई विल गेट कैंसिल्ड इन द रेशियो, हियर वी आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर अर्थ, लेट अस डू फॉर मून। For moon, S2 is the total surface area. This is 4 pi capital R square and this is 4 pi into x by 8 square. This is 4 pi into x square by 64 and that is 5 x square over 16. This is the surface area of the moon. We calculated the surface area of the earth as well. Please don't spoil school's property. We're writing on the wall. Copy is with you. You write with on your copy only. Yes. Now, we want to find the ratio of their surface area. Or their mein hame pata nahi moon ke liye likhe kya earth. Sabse pehle dekho question mein kya hai. Moon likha hua hai na pehle question mein. Diameter of moon. Toh hum pehle moon ka lenge. Hum likhenge. S2 ratio S1, that is pi x square over 16 over pi x square, pi x square over 16 into 1 over pi x square get cancelled and this is 1 ratio 16. जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन कंसेंट देके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बेटे, वी आर नॉट डिप्राइविंग यू फ्रॉम अटेंडिंग द लेक्चर, यू कैन अटेंड बट your attendance will be marked as absent, please make sure 1:16, then talk to your class in charge. आप दोनों को ना बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है दोनों को, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट टू बॉयज, कॉन्टिन्यूसली यू पीपल आर लाफिंग, यस हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, ध्यान से देखना पिछला क्वेश्चन भी हमने एक हेमिस्फेरिकल बाउल का किया था, उसमें उसने इनर डायमीटर की बात की थी और इनर सरफेस हमने निकाल के काम खत्म कर दिया, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो अलग है, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील which is 0.25 centimeter thick. This is thickness.
ये थिकनेस है बाउल के ऊपर, आपने देखा होगा मोस्टली जो बाउल्स होती हैं उनके ऊपर छोटा सा हल्की सी थिकनेस सी लगाई होती है, क्योंकि बिल्कुल ही अगर पतली परत की बन जाएगी तो वो चिटक जाती है। ये थिकनेस है, थिकनेस मीन्स कि ऊपर ऐसे इमेजिन करो बाउल है उसके ऊपर थोड़ा सा उसको चौड़ा किया गया, जब उसको थोड़ा सा चौड़ाई उसके ऊपर से की गई उसमें थोड़ा सा स्टील यूज हुआ और उस स्टील की थिकनेस हमें कितनी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द स्टील इज गिवन टू बी 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये देखो एक मिनट ध्यान से, ये बने ऊपर दो कंसेंट्रिक सर्कल, वन है बाउल का, बाउल की आउटर बाउंड्री और दूसरी है इनर बाउंड्री जो कि थिकनेस के बाद आई, ठीक है। और अब इसका जो इनर रेडियस है, ये सेंटर हो गया, इनर रेडियस इसका दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ किसी तरह का कोई बर्तन कोई यूटेंसिल बाय करते हैं तो हम कहते हैं कि देखने में बड़ा इसमें चीज बड़ी कम आती है। रीजन ये होता है कि जो उसकी थिकनेस होती है उसमें इतना बड़ा एरिया कवर किया होता है कि हमें देखने में वो यूटेंसिल बड़ा लगता है और उसमें चीज कम आती है। बस वही है, इसमें थिकनेस थोड़ी ली हुई है उसने 0.25 सेंटीमीटर और इंटरनल, जबकि जब तक जहां तक इसके वॉल्यूम का सवाल है, इसमें चीज डालने का सवाल है, तो जो इनर रेडियस है उसी के हिसाब से इसमें चीज आएगी। जो आउटर थिकनेस है वो तो सिर्फ इसको मोटा करने के लिए यूज की गई है। द क्वेश्चन इज, ही सेज फाइंड द रेडियस ऑफ द बाउल, सॉरी फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। हम निकालना चाहते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। व्हेन यू वांट टू फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, दैट मींस यू नीड द आउटर रेडियस। पहले आप लिखो इनर रेडियस आर इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर, इनर रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस कैपिटल आर दिस इज इक्वल टू, देखो जरा आउटर रेडियस कैसी आएगी, इस इनर रेडियस में क्या ऐड कर देंगे, थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, दैट इज 5 प्लस 0.25। हाँ जी, ये आ गया हमारा आउटर रेडियस। आउटर रेडियस विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग थिकनेस टू द इनर रेडियस एंड इट कम्स आउट टू बी 5.25। नाउ हाँ जी, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज टू बी फाइंड आउट। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या किया था, 2πr² कैपिटल आर लिखना है यहाँ पे, आउटर कर्व आउटर रेडियस, आर स्क्वायर मींस 5.25 दो बार, सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ना मैं कहती हूँ मतलब कमाल ही होगी। क्वेश्चन नंबर 9th, लेट अस स्टार्ट विद 9th क्वेश्चन। It is a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Look at the board. Here is a right circular cylinder.
diameter of the upper base, diameter of the lower base. It just encloses a sphere. And the sphere that it is encloses, that sphere is having a radius r. जो स्फीयर इसमें इनक्लोज हो रहा है उसकी रेडियस आ रहा है. अब यहाँ पे जो वर्ड जस्ट है, इट मैटर्स अ लॉट दैट इट जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. इट मींस दैट व्हेन स्फीयर इज पुट इन द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बॉटल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, द स्फीयर फिट्स इटसेल्फ इन द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट प्रॉपरली. दैट मीन्स इट इज फ्रॉम द अपर, फ्रॉम द लोअर, फ्रॉम द साइड पोर्शन, it touches all the boundary of the cylinder, right? See the first part of the question. What is the surface area of the sphere? Surface area of sphere, total surface area matlab this is 4 pi r square. Koi value nahi put karni aapne r ki, kyunki r jo hai wo r hi hai, uski koi numerical value nahi di. So the surface area of the sphere, bracket mein s1 kar lo kyunki aage kisi aur ka bhi nikalna hai, this is equal to 4 pi r square. This is the surface area of the sphere. Second, we want to find curved surface area of cylinder. For that, we need the radius and the height of the cylinder. Radius of cylinder as the sphere just fits itself in the cylinder. So whatever will be the radius of the sphere, that will be the radius of the cylinder. Same radius ho jayegi cylinder ki, jo ki sphere ki radius hai. So this is equal to r. Is equal to r. Cylinder ka curved surface area nikalna hai, to uski radius aur height batani chahiye. Jo cylinder ki radius hai, wo sphere ki radius ke equal hogi. Now see the height of the cylinder. I told you earlier. When I have explained the figure of the cylinder, कि upper portion के center से लेके lower portion के center तक जो line join होती है, that is called the height of the cylinder. And in this case, that is same as the diameter of the cylinder. So what is the diameter? 2 r. So this is the diameter of the cylinder. Height of the cylinder is the diameter of the sphere. हाँ जी. We want to find the curved surface area of cylinder. Let us mark it to be S2. ज़्यादा एक दूसरे की तरफ देख के ना smile pass करने की ज़रूरत नहीं है. अपने इंटीने क्लास में ही रखो. Okay? S2, curved surface area of cylinder. Formula आता है 2 pi RH. आर वही रह गया, एच की जगह 2 r आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर. एस टू इज द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज 2 पाई आर एच एंड आंसर कम्स आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर. बट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑब्टेंड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड. दैट मींस वी वांट टू फाइंड एस वन रेशियो एस टू, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर ratio 4 pi r square. This is 4 pi r square over 4 pi r square. 1:1. हाँ जी. मैं ना बहुत वार्निंग्स दे चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू टेक द एक्शन. तू तो चुप्पी कर जा, मेरे सामने बोल ही मत. चलिए, सो टिल एक्सरसाइज 13.4 वी हैव डिस्कस अबाउट द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. नाउ
इन द कमिंग फोर एक्सरसाइजेस वी विल डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ द सेम. इधर उधर देख के एक दूसरे को इशारे करके बातें करनी, आपको क्या लगता है मैडम पागल है, इनको समझ नहीं आ रही, सब पता चल रहा है बेटे आप क्या कर रहे हो क्लास. बिहेव योर सेल्फ, अपनी इमेज ही खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो टीचर्स के सामने. एक्सरसाइज 13.5, इट इज बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. और हमने किया था क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच एंड क्यूब का वॉल्यूम एच क्यूब. इन दो फॉर्मूलास पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 13.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे. आप प्लीज चुप कर जाओ, तो चार पांच मिनट पहले, दो मिनट पहले आप हंस रहे थे, अब आप अपने आप को बहुत सिंसियर दिखा रहे हो. चुप, यही पे चुप. एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच बॉक्स हैव द डायमेंशंस लेंथ 4, ब्रेथ 2.5 एंड हाइट 1.5. And all the dimensions they are in terms of centimeter. सारी dimensions हमें centimeters में दी हुई हैं. All the dimensions they are given in terms of centimeter. मैंने copy check कर दी है जैसे period खत्म हुआ, याद रखना. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? एक पैकेट में ऐसे 12 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा? जब भी हम किसी पैकेट में ऐसी मैच बॉक्सेस को रिप्लेस करेंगे, एक मैच बॉक्स डाली, दो तीन चार ऐसे करके 12 डाली, तो उस पैकेट का वॉल्यूम 12 मैच बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. तो पहले वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स निकाल लें. L into B into H. Fifteen centimeter cube. Volume of one matchbox, it comes out to be 15 centimeter cube. Volume of packet is equal to volume of 12 such matchboxes. अब एक मैच बॉक्स का अगर आपके पास 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो 12 का कितना होगा? 12 इनटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब वॉल्यूम है, तो इन टर्म्स ऑफ क्यूब, क्यूबिक यूनिट. पहले एक का निकाल लिया, पैकेट में 12 है तो पैकेट का वॉल्यूम 12 के इक्वल होगा, तो मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई. धैर्य बेटर होगा कि आप इसके पास मत बैठा करो, मैं बार बार कह रही हूं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन, ए क्यूबॉइडल वॉटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4.5 मीटर डीप. How many liters of water it can hold? Whatever is the capacity of a container that is equal to its volume. So quantity of water that can be held, quantity of water that can be held is equal to volume L into B into H.
मीटर क्यूब. We want to find the capacity in terms of liters, and when meter cube turns into liters, multiply by 1000. liters. Huh? एक पॉइंट है, जीरो लगेगी, डेसिमल में कंटेन हो जाएगी. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थर्ड. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high it must be made to hold 300 cubic meters of a liquid? Chalo, we'll continue.